नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल मैके जी सिविल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने आज सर्वेइंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेके आया हूँ, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कर्व्स। जो कर्व टॉपिक है उसका बहुत महत्व है। आप चाहे सर्वेइंग सब्जेक्ट के हिसाब से देखें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में देखें, कर्व कहाँ दिए जाते हैं। दो कर्व मैंने यहाँ लिखे हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कर्व। आप जब रोड पे चलते हो तो जहाँ पे भी मोड़ आता है वहाँ आप देखते होगे गाड़ी आपकी बड़ी स्मूथ मुड़ती है, तो वो कर्व के कारण ही होता है। इसी तरीके से जब अब अपन पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, बाई रोड जाते हैं या ढलान में जाते हैं, वैली में जाते हैं, तो वहाँ पे भी स्मूथली अपनी गाड़ी ग्रेड चेंज करती है। तो वो जब जो अपने स्मूथली इतना काम करते हैं उसका कारण होता है कि उस रोड में कर्व प्रोवाइड किए गए हैं। तो दो टाइप के कर्व लगाते हैं, एक हॉरिजेंटल कर्व और एक वर्टिकल कर्व। हॉरिजेंटल कर्व जो है वो जब काम में लिया जाता है जब अपने को डायरेक्शन चेंज करनी हो, जैसे अपन स्ट्रेट चल रहे हैं और अपने को इस तरफ डायरेक्शन में आना है, यानी सीधे चलते चलते अपने को दिशा बदलनी हो, डायरेक्शन चेंज करनी हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट अपन डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा डायरेक्शन चेंज करेंगे तो अपनी गाड़ी ओवरटर्न हो सकती है और उसमें कई सारे लॉसेज आ सकते हैं, गाड़ी पे भी लॉस हो सकता है और जो अंदर बैठे हैं उनको भी जर्क महसूस होता है। तो उसको स्मूथ डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपन बीच में एक पोर्शन प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं कर्व। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो कर्व प्रोवाइड किया जाता है वो हॉरिजेंटल, और ग्रेड चेंज करने के लिए यानी अपन ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं या नीचे की तरफ उतर रहे हैं तो वहां पे ग्रेड जब चेंज होती है तो उसको चेंज करने के लिए जो बीच में एक स्मूथ पोर्शन होता है उसको बोलते हैं वर्टिकल कर्व। तो यहां से दोनों चीजें अलग है, हॉरिजेंटल कर्व और वर्टिकल कर्व। हॉरिजेंटल कर्व में जैसे मैंने बताया डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है, और ये वाला वर्टिकल कर्व जो है ग्रेड चेंज करने के काम में आता है। इसी तरीके से अपन देखें तो हॉरिजेंटल कर्व जो है वो आगे यहाँ टाइप लिखे हैं, ये मैंने लिखा है, दो स्ट्रेट लाइन को हॉरिजेंटल प्लेन में स्मूथली मिलाने के लिए कर्व से मिलाते हैं, और ये तीन प्रकार के होते हैं। यानी दो स्ट्रेट लाइन है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ये, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये, इस तरीके से तो इनको जब आपस में मिलाते हैं तो बीच में एक स्मूथ पोर्शन होता है, उसी को बोलते हैं अपन हॉरिजेंटल कर्व। हॉरिजेंटल कर्व तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका सिंपल सर्कुलर कर्व, यानी टाइप ऑफ जो हॉरिजेंटल कर्व है वो थ्री टाइप्स के होते हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व। जो सिंपल सर्कुलर कर्व है, सिंपल सर्कुलर कर्व का मतलब ये एक सर्किल का अपन उसको टुकड़ा मानते हैं, एक सर्किल का आर्क होता है जो दो हॉरिजेंटल लाइन को ज्वाइन करता है, उनको टेंजेंशियली ज्वाइन करता है। यानी यहाँ लाइन जो है इस कर्व के इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनती हुई स्ट्रेट लाइन, एक इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्ट्रेट लाइन, तो ये जो दो स्ट्रेट लाइन है इनके बीच में ये अपन ने स्मूथ कर्व लगा दिया, ये एक सर्किल का पार्ट होता है और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे ये स्मूथली यहाँ पे जा रहा है तो ये टेंजेंशियल होता है यहाँ से, इसको अपन बोलते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व जिसकी रेडियस आर होती है। इसी तरीके से फिर कंपाउंड कर्व, कंपाउंड कर्व का मतलब होता है दो सिंपल सर्कुलर कर्व जिनकी अलग अलग रेडियस हो सकती है या सेम रेडियस भी हो सकती है, उनसे मिलके बना हुआ जो कर्व है वो कहलाता है कंपाउंड कर्व। यानी दो सिंपल सर्कुलर आर्क से मिलके जो बनता है वो कहलाएगा कंपाउंड कर्व। जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, ये एक रेडियस है आर वन और दूसरे की रेडियस है आर टू, ये ओ वन इस पहले आर्क का, इस आर्क का यानी इस सिंपल सर्कुलर कर्व का सेंटर है, और ओ टू ये जो दूसरा है इसके, इसका सेंटर है ओ टू और इसकी रेडियस है आर टू। इसी तरीके से अपन तीसरे पे आते हैं, थर्ड जो है वो रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व का मतलब जब दो लाइन पैरेलल लाइन या एंगल बीच में बहुत कम होता है और दोनों पे रिवर्सली यानी दोनों की डायरेक्शन चेंज होती है, जैसे ये है, यानी एक का सेंटर इस तरफ है दूसरे का सेंटर इस तरफ है। अपन बहुत बार देखते हैं जब नहर पे रोड को क्रॉस कराया जाता है तो उसको परपेंडिकुलर लाते हैं, तो ये मान लो नहर है, यहाँ से रोड को अपन क्रॉस कराएंगे, पहले ऐसे कर्व होता है फिर वापस ऐसे कर्व आता है, ये कर्व कहलाता है रिवर्स कर्व, जिसमें एक का सेंटर इस तरफ है दूसरे डायरेक्शन पे और दूसरे का सेंटर दूसरे डायरेक्शन पे है। इसका ये ओ वन सेंटर, इसका ये ओ टू, इसकी रेडियस आर वन, इसकी रेडियस आर टू, ये रेडियस सेम रेडियस के भी हो सकते हैं और अलग अलग रेडियस के भी हो सकते हैं, ये कहलाता है रिवर्स कर्व। नेक्स्ट अपन आते हैं कि हॉरिजेंटल कर्व के कंपोनेंट, ये जो है हॉरिजेंटल कर्व के कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ हॉरिजेंटल कर्व। अब इसमें क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, ये जैसे मैंने ये स्ट्रेट लाइन है ए वाली, यहाँ से अपने को इस डायरेक्शन में जाना है तो उसके लिए डायरेक्शन चेंज करनी है तो बीच में ये हॉरिजेंटल कर्व प्रोवाइड कर दिया, यहाँ टी वन सी और टी टू। ये जो हॉरिजेंटल कर्व है इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो अपने ध्यान से देखेंगे। इसमें ये सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ से अपन शुरू करते हैं, इस रोड से, जहाँ से ये रोड जैसे आ रही है इस डायरेक्शन से अपने को इस डायरेक्शन में जाना है, तो वन बाई वन करके यहाँ से लेके और फिर यहाँ तक जाएंगे तो सारे के सारे अपन बीच में
कंपोनेंट डिस्कस कर लें। सबसे पहला ये जो है ये कहलाता बेक टेंजेंट। यहाँ पे क्योंकि ये टेंजेंट है और इस डायरेक्शन से आ रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग से है, फिर ये यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता है, आगे इधर रोड जा रही है, डायरेक्शन ये है रोड की, तो ये जो टेंजेंट है ये कहलाएगा बेक टेंजेंट। यानी अगर अपन इस तरफ से चल रहे हैं तो ये बेक टेंजेंट कहलाएगा, अगर अपन इधर से चलें ऐसे तो ये बेक टेंजेंट कहलाएगा। यानी जहां से अपन जा रहे हैं कारों पे शुरू हो रहे हैं कारों पे मुड़ना, उस समय जो स्ट्रेट लाइन जो है वो कहलाएगी बेक टेंजेंट। और ये वाला जहां अपना कर्व खत्म हो गया उससे आगे अपन निकल गए क्रॉस करके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आती है कर्व के जस्ट बाद में, ये कहलाएगी फॉरवर्ड टेंजेंट। इसी तरीके से फिर आते हैं अपन इससे कि यहां से ये जो है ये V, ये जो पॉइंट है ये कहलाता है वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ कर्व, या फिर इसका दूसरा नाम कहलाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, इंटरसेक्शन। ये जो दो लाइन है, जो दो टेंजेंट है, ये वाला और ये वाला पूरा टेंजेंट, ये टेंजेंट का जहां आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, जहां कट होते हैं, वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर आता है डिफ्लेक्शन एंगल, ये जो डेल्टा, ये डेल्टा है, ये होता है डिफ्लेक्शन एंगल, यानी कितने डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए अपन। जैसे अपन यहां से आ रहे थे, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन अपन इतना, तो ये जो डेल्टा है ये कहलाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन एंगल, यानी कितना डायरेक्शन अपने को चेंज करनी। फिर उसके बाद में आता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, ये जो टी पॉइंट है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर या पॉइंट ऑफ कर्व। जो टेंजेंट टी वन जहां से शुरू हुआ है, ये जहां से कर्व शुरू होता है, वो जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर या पॉइंट ऑफ कर्व। इसी तरीके से जो ये वाला टी टू पॉइंट है, ये अपने कहलाता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। फिर आते हैं अपन आगे कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये टेंजेंट लेंथ या टेंजेंट डिस्टेंस कहलाती है दोनों, यानी टी वन से लेके वी तक या टी टू से लेके वी तक, ये जो डायरेक्शन, ये जो डायमेंशन है, ये जो लेंथ है, ये कहलाती है टेंजेंट लेंथ या टेंजेंट डिस्टेंस, यानी टेंजेंट की दूरी कितनी है, ये कहलाती है टेंजेंट लेंथ या टेंजेंट डिस्टेंस। उसके बाद में फिर आते हैं अपन यहाँ पे, ये कहलाती है एक्सटर्नल डिस्टेंस, या इसको दूसरा नाम है एपेक्स, ये वी से लेके सी तक, यानी कर्व के बाहर जो इंटरसेक्शन तक की पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट तक की जो दूरी है वो कहलाती है एक्सटर्नल डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कहलाती है एक्सटर्नल डिस्टेंस, या इसको बोलते हैं एपेक्स। इसी तरीके से ये जो है सी से एल तक, सी से लेके एल तक है, ये कहलाती है मिड ऑर्डिनेट, ये कहलाती है मिड ऑर्डिनेट, सी से लेके एल तक की डिस्टेंस, या डी कह दे अपन, सी से लेके डी पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये कहलाएगी मिड ऑर्डिनेट। और एक है लॉन्ग कॉर्ड, ये जो लिखा मैंने लॉन्ग कॉर्ड एल, लॉन्ग कॉर्ड है टी वन से लेके टी टू तक की डिस्टेंस है, वो है लॉन्ग कॉर्ड, ये लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई हो गई एल, तो ये कहलाती है इसकी लॉन्ग कॉर्ड, यानी जो सबसे लंबी जीवा है, जो लॉन्ग कॉर्ड है, वो ये हो गई। इसी तरीके से अपने एक आता है लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व का मतलब ये जो T1 से फिर ऐसे कर्व लेंथ में चलते हुए T1 से लेके वाया सी अपने को जाना है T2 तक, तो ये जो लंबाई अपन ने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये कहलाती है लेंथ ऑफ कर्व, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ये R इंटू डेल्टा। ये जितना डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल इसके सेंटर पे बनता है यहाँ पे, ये भी एंगल क्या रहेगा डेल्टा ही रहेगा, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल और ये वाला अपने रेडियस R, तो R इंटू थीटा अगर अपन करें या R इंटू ये जो डेल्टा है ये करें तो अपने पास आर्क लेंथ आ जाती है, जो चाप की लंबाई या आर्क लेंथ होती है वो होती है R इंटू थीटा, तो इससे अपने पास ये लेंथ ऑफ कर्व निकल जाती है R इंटू डेल्टा करने पर। तो ये सारे जो अपन ने डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे थे कंपोनेंट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व के ये कंपोनेंट थे। नेक्स्ट अपन आते हैं कि कर्व को डिफाइन कैसे करते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व, जो डेजिग्नेशन है कर्व का, यानी कर्व को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कर्व के डेजिग्नेशन, कर्व को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिजाइन करते हैं, वो दो टर्म में करते हैं, एक तो उसका रेडियस के रूप में और दूसरा उसके डिग्री ऑफ कर्व के रूप में, रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व, ये दो टर्म होती है, एक तो रेडियस एक डिग्री ऑफ कर्व, इन दोनों के रूप में अपन कर्व को डिजाइन करते हैं। डिग्री ऑफ कर्व क्या होती है, ये होता है कि उसके किसी भी कर्व के, ये जो आर्क है, इस आर्क के द्वारा उस कर्व के सेंटर पर बनाया गया एंगल, ये जो सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो एंगल, ये जो डी है ये कहलाता है डिग्री ऑफ कर्व, यानी किसी आर्क लेंथ के द्वारा, किसी आर्क के द्वारा, चाप के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, बनाया गया कोण, यही कहलाता है डिग्री ऑफ कर्व।
तो इसका अपन देख सकते हैं, ये वाला यहाँ मैंने लिखा है 20 और 30 मीटर, यानी चैन लेंथ जो होती है, जनरली अपन चैन से जब इसकी मार्किंग करते हैं कर्व की फील्ड में, तो चैन लेंथ जो है अपने पास या तो 20 मीटर की होती है या 30 मीटर की होती है। तो ये 20 मीटर या 30 मीटर अपन आर्क लेंथ रखते हैं और उससे अपन डिग्री ऑफ कर्व का रिलेशन, ये डी एंगल निकालते हैं और फिर ये रेडियस और डिग्री में रिलेशन निकालते हैं। इसको दो मेथड से अपन निकालते हैं, एक तो कहलाता है आर्क डेफिनेशन और दूसरा कहलाता है कोर्ड डेफिनेशन। आर्क डेफिनेशन में ये लेंथ आर्क के रूप में लेते हैं और कोर्ड डेफिनेशन में ये जो लंबाई है, जो लेंथ है 20 मीटर और 30 मीटर, ये अपने लेंथ जो है कोर्ड के रूप में लेते हैं, यानी जीवा के रूप में लेते हैं। और जो डिग्री है, इसका संबंध होता है डिग्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी जैसे जैसे ये रेडियस बढ़ेगी एंगल जो है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी, ये वाला जो है ये आगे आगे दूर जाएगा, यानी कर्व ऐसे छोटा होता जाएगा, तो एंगल जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ तो फिक्स है 20 मीटर या 30 मीटर। तो जब अपन रेडियस आगे लेके जाएंगे तो डिग्री है वो कम हो जाएगा, और रेडियस को कम करेंगे तो डिग्री है वो बढ़ जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं कि अगर किसी की डिग्री कम है, तो डिग्री कम होने का मतलब उसकी रेडियस क्या है, ज्यादा होगी, और रेडियस ज्यादा होगी तो उसको अपन कहते हैं फ्लैट कर्व। और जिसकी डिग्री ज्यादा है, यानी उसकी रेडियस कम होगी, उसको अपन कहेंगे स्टीप कर्व। स्टीप कर्व का मतलब शार्प कर्व होता है। तो ये मैंने बताया आपको कि एक हॉरिजेंटल कर्व किस तरीके से होता है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि इन डिग्री ऑफ कर्व में और रेडियस ऑफ कर्व में क्या संबंध होता है, आपस में दोनों में क्या रिलेशन होते हैं, किस तरीके से अपन संबंध को डिफाइन करते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम अपन देखें, उसमें कर्व का ये क्वेश्चन जरूर होता है। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस चैनल को देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी वीडियो हम नए अपलोड करें वो आपको तुरंत आप तक सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।